हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन तोमर आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल विपिन क्रेजी गार्डन एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ यह वीडियो रिगार्डिंग है SBI में जब भी आप न्यू अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, मन में बहुत से डाउट रहते हैं, कौन सा फॉर्म लेना है, कहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करना है और क्या क्या फिलअप करना है। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पेज पर यहाँ पे ब्रांच का नेम लिखेंगे आप, जो भी आपकी ब्रांच का नेम है। यहाँ पर ब्रांच कोड लिखेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, प्राइमरी अकाउंट होल्डर का यदि पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डाल देंगे। यहाँ पे सेकेंडरी अकाउंट होल्डर जिसको ज्वाइंट कराना है उसका नेम डाल देंगे। सेकेंड अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड अकाउंट होल्डर का फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे उनके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर होंगे और प्राइमरी अकाउंट होल्डर का यहाँ पे एड्रेस होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर आएगा, यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नेम आएगा, यहाँ पर सेकेंडरी अकाउंट होल्डर का नेम आएगा, यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट होल्डर का फोटोग्राफ पेस्ट कीजिएगा और प्राइमरी अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। ऐसे इसमें सेकेंडरी अकाउंट होल्डर का फोटोग्राफ पेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर बर्थ डेट और यहाँ पर पैन कार्ड। फ्रेंड्स, एड्रेस के कॉलम में एड्रेस डाल दीजिएगा, यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिएगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा रेजिडेंस का, यहाँ पर ऑफिस का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट टाइप में सेविंग अकाउंट डाल दीजिएगा, मोड ऑफ ऑपरेशन में जॉइंटली डाल दीजिएगा, एटीएम, डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड पे टिक कर दीजिएगा, इंटरनेट बैंकिंग में रिक्वायर्ड पर टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए दिया हुआ है इसमें, तो आप इसमें पैन कार्ड है आपके पास तो पैन कार्ड पर टिक करके पैन कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा। पैन कार्ड के अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं टिक करने के बाद में। एड्रेस प्रूफ में आपके पास जो भी एड्रेस प्रूफ है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप है या फिर टैक्स असेसमेंट ऑर्डर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो भी है उस पर टिक कर दीजिएगा। अभी दोस्तों नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। दोस्तों, ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, इसकी हमारे पास 2 कॉपी है और प्रत्येक कॉपी में दो दो पेज है। इसमें जो फर्स्ट कॉपी है उसमें हम जो भी प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा उसकी डिटेल फिलअप करेंगे, डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे, बाकी इसमें हम कुछ फिलअप नहीं करेंगे। नीचे में आई डोंट नॉट हैव एनी अकाउंट विद SBI, यदि SBI में कोई अकाउंट नहीं है इस पर क्लिक करेंगे, यदि SBI में अकाउंट है तो यहाँ पे टिक कर देंगे हम। यहाँ पे अकाउंट नंबर जो भी है आपका फिलअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट डिटेल आती है कस्टमर टाइप में, आप पब्लिक में टिक कर देंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस में आप रेजिडेंशियल इंडिविजुअल पे क्लिक कर देंगे, नेम में आप यहाँ पे नेम डाल देंगे तो प्रीफिक्स जो भी है, यहाँ पे यदि आपका कोई मेडन नाम है उसमें डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ में आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देंगे, जेंडर में मेल फीमेल जो भी है आप उस पर टिक कर देंगे, आधार कार्ड के कॉलम में आप आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है उन्होंने इनरोलमेंट करा रखा है तो आधार इनरोलमेंट नंबर होता है उसको यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, नेम ऑफ फादर में नेम ऑफ फादर डाल दीजिएगा, नेम ऑफ स्पाउस में नेम ऑफ स्पाउस राइट कीजिएगा, नेम ऑफ मदर में नेम ऑफ मदर कीजिएगा, यदि माइनर है तो माइनर के केस में गार्डियंस में जो भी है उनका नाम यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिटेल आती है नेशनलिटी है, नेशनलिटी में इंडियन में IN क्लिक कर दीजिएगा, कंट्री नेम में यहाँ पे इंडिया डाल दीजिएगा, सिटीजनशिप में भी IN टिक कर दीजिएगा, कंट्री नेम में आप इंडिया डाल दीजिएगा। ऑक्यूपेशन टाइप में बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे सर्विस है, सर्विस किस में करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, डिफेंस, प्राइवेट सेक्टर, जिसमें भी करते हैं आप टिक कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट में करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में टिक कर दीजिएगा सर्विस करने के बाद, अदर्स में करते हैं तो अदर्स में टिक कर दीजिएगा और अदर्स में जिस भी प्रोफेशन में है उस पर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है दोस्तों, पैन कार्ड की डिटेल आती है। पैन कार्ड की डिटेल के लिए पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर डाल दीजिएगा और आपका सिटी ऑफ बर्थ प्लेस कहाँ पर है वो डाल दीजिएगा, कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया आएगा दोस्तों। नेक्स्ट कॉलम दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस है, इसमें आपके पास जो भी अवेलेबल है, पासपोर्ट है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है आपके पास
टिक कर दीजिए। जैसे यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस में टिक कर दीजिएगा। इसके अलावा यदि आपके पास कुछ और है तो उसमें टिक कर दीजिएगा। जैसे आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप आधार कार्ड भी राइट कर सकते हैं। जो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड जो भी देंगे उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। किसने इशू किया है उसका यहाँ पे डाल दीजिएगा। इशू कहाँ पे हुआ है इधर डाल दीजिएगा। यहाँ पे इशू की डेट आ जाएगी, यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम दोस्तों प्रूफ ऑफ एड्रेस का है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप करंट का डालेंगे यहाँ पर, या कोरस्पोंडेंस है वो डालेंगे, या लोकल है जो भी है आपका वो उस पर टिक कर दीजिएगा। जैसे आप कोरस्पोंडेंस में करते हैं तो कोरस्पोंडेंस टिक कर दीजिएगा। एड्रेस टाइप में आपका एड्रेस रेजिडेंशियल है, बिजनेस वाला है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी है आपका उस हिसाब से डाल दीजिए। जैसे रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल पर टिक कीजिएगा, बिजनेस है तो बिजनेस पर टिक कीजिएगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो भी आपके पास है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड या कोई और कार्ड जो आपके पास अवेलेबल है उसको डाल दीजिएगा टिक करके यहाँ पर, और यहाँ पर उसको लिख दीजिएगा एड्रेस में है। यदि एड्रेस में आपका जो है एड्रेस सिटी विलेज के साथ में डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड और कंट्री नेम में इंडिया आएगा। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एड्रेस डिटेल है परमानेंट के लिए। परमानेंट एड्रेस है आपका जो यहाँ पे परमानेंट पर टिक कर दीजिएगा। यदि ये एड्रेस सेम है जैसे हमने पहले फिलअप किया था कोरस्पोंडेंट एड्रेस, तो यहाँ पे सेम पे टिक कर दीजिएगा। यदि सेम से आपका डिफरेंट है तो यहाँ पे आप एड्रेस फिलअप कर दीजिएगा विद सिटी विलेज डिस्ट्रिक्ट पिन कोड स्टेट एंड कंट्री नेम इंडिया रहेगा आपका। नेक्स्ट डिटेल है दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल की। यहाँ पे आप अपना ऑफिस का टेलीफोन नंबर डाल दीजिएगा, टेलीफोन रेजिडेंशियल पे डाल दीजिएगा यदि आपके पास है, फैक्स नंबर है वो डाल दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल से पहले यहाँ पे 91 जरूर कीजिएगा इंडिया के लिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा और ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट डिटेल है एडिशनल डिटेल, मंथली इनकम जो भी है आपकी यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। नेटवर्थ यदि कुछ है आपकी वो भी यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। रिलीजन में जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या आदर्श जो भी है वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। आप कैटेगरी में, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसमें से आप टिक कर दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यदि बिलो एसएससी है, एसएससी, एचएससी जो भी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप वो डाल दीजिएगा। इसके अलावा कुछ और है आपके पास डिप्लोमा वगैरह, आदर्श में डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप किस, कहाँ से आपने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आपने डिग्री ली है यहाँ पर उसका नेम डाल सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें नन में टिक कर देंगे आप। नेक्स्ट डिटेल है हमारी डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन। इसमें आपको फिलअप नहीं करना है दोस्तों। इस पेज पर हमारा सब कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना। अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम है डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन। इसमें हमें फिलअप नहीं करना है, इसमें भी हमें फिलअप नहीं करना है, यहाँ पर भी हमें फिलअप नहीं करना है। अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ हमें सिग्नेचर करने हैं अपने। यहाँ पर प्लेस लिख देंगे हम। इस कॉलम में भी हम कुछ नहीं लिखेंगे, ऑफिस वाले का है, और यहाँ पे भी हम कुछ फिलअप नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। यह डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेट है। इसमें हमें सबसे नीचे आके यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, यहाँ पे प्लेस लिखना है, और यहाँ पे हमें डेट डालनी है दोस्तों। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए। उसके लिए हम इसमें सभी डिटेल फिलअप कर लेंगे, जैसे हमने प्राइमरी अकाउंट होल्डर के लिए फ़िलअप किया है एड्रेस वगैरह के साथ में। इसमें हमें सिर्फ लास्ट में यहाँ पे जिसके साथ हम जॉइंट अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं उसका फोटोग्राफ आएगा, सिग्नेचर, प्लेस और डेट। बाकी सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर की डिटेल आएगी। ये दोनों फॉर्म सेम है, सिर्फ फर्स्ट वाले फॉर्म को प्राइमरी अकाउंट होल्डर के लिए फ़िलअप करना है और सेकेंड वाले फॉर्म को जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए फ़िलअप करना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों इस फॉर्म पे हम यहाँ पर डेट डाल देंगे, बाकी हमें ये कॉलम फिलअप नहीं करने हैं। टाइप ऑफ अकाउंट में हम सेविंग अकाउंट पे टिक कर देंगे। मोड ऑफ ऑपरेशन में हम जॉइंटली पे टिक कर देंगे दोस्तों। सर्विस रिक्वायर्ड में एटीएम कम डेबिट कार्ड में फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए यस कर देंगे, सेकेंड एप्लीकेंट के लिए भी यस कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट का नेम लिख देंगे, यहाँ पर सेकेंड एप्लीकेंट का नेम लिख देंगे जो एटीएम कार्ड पर हमारे आएगा। नेक्स्ट चेकबुक, चेकबुक के लिए यस कर देंगे दोस्तों। इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए और सेकंड एप्लीकेंट के लिए यस कर देंगे। इंटरनेट बैंकिंग है दोस्तों फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए यस, सेकंड एप्लीकेंट के लिए यस। एसएमएस अलर्ट के लिए यस पे टिक करेंगे। मोबाइल बैंकिंग के लिए
यस पर टिक करेंगे, फ़ोन बैंकिंग सर्विस के लिए यस करेंगे दोस्तों। रजिस्ट्रेशन फॉर SBI बड़ी रिक्वायर्ड, ये दोस्तों पहले होता था, अब ये बैंक में फैसिलिटी नहीं है तो इसमें हम नो पर टिक कर देंगे। पासबुक रिक्वायर्ड में यदि आपको पासबुक चाहिए तो यस पर टिक कीजिएगा, नहीं चाहिए तो नो पर टिक कीजिएगा। स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट ऐसे चाहिए। यदि आपको हाफ ईयरली चाहिए तो हाफ ईयरली पर टिक कर सकते हैं आप, और यदि आपको स्टेटमेंट नहीं चाहिए तो आप नोट रिक्वायर्ड पर टिक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे नॉमिनेशन की डिटेल है, यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट होल्डर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नेम आएगा दोस्तों, यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट होल्डर टिक करेंगे। नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट हम छोड़ देंगे दोस्तों। डिटेल्स ऑफ नॉमिनी में यहाँ पे नॉमिनी जो भी है उनका नेम फिलअप करेंगे, यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर, क्या रिलेशन है उनके साथ, एज, और यदि माइनर है तो उनका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड के साथ, सिटी विलेज स्टेट के साथ में, इसको दोस्तों हम खाली छोड़ देंगे। इस पेज को भी हमें फिलअप नहीं करना है दोस्तों। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। ये डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट होल्डर सिग्नेचर करेंगे, प्लेस राइट करेंगे, यहाँ पर डेट डाल देंगे दोस्तों। बाकी ये फॉर्म का हिस्सा दोस्तों, इसमें हमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट पेज दोस्तों ब्लैंक है, इस पर हम कुछ भी फिलअप नहीं करेंगे, इसको हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। ये पेज एक्नॉलेजमेंट का है, इसमें हमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज भी ब्लैंक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्म फिलअप हो गया है। अब आपको शायद सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमें फॉर्म को फिलअप करना है दोस्तों। दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको मैं कुछ और जानकारी दे रहा हूँ। आपको जहाँ पे भी सिग्नेचर पार्ट है, जहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करना है, वहाँ पे ब्लैंक इंक से करना है, बाकी फॉर्म आप ब्लैंक से फिलअप कर सकते हैं। आपको इसमें 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, जॉइंट अकाउंट होल्डर के और प्राइमरी अकाउंट होल्डर के 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए दोनों का, और दोनों का एड्रेस प्रूफ चाहिए दोस्तों। पैन कार्ड इसमें मस्ट है और आधार कार्ड दोनों मस्ट है, ये दोनों आपको देने ही होंगे। आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इससे आपको कोई बेनिफिट होता है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।